अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे हमारे पास जो आने वाला नेक्स्ट प्रीमियर क्रिकेट पबजी और बीजीएमआई वाले के फेरो के हमारे पास अच्छे खासे लीक्स आ चुके हैं। तो जो हमारे पास मंथ 13 के रॉयल पास की इन गेम लीक्स मेरे पास आ चुके हैं, तो वही वीडियो डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास पबजी में आ रहा है प्रीमियर क्रिकेट और बीजीएमआई का वाले होगा ये स्पेशल क्रेडिट। ये पबजी में प्रीमियर क्रिकेट में आएगी और बीजीएमआई में स्पेशल क्रेडिट में आएगी। तो ये हमारे पास मेन सेट मिथिक होने वाला है, जिन्हें सेट होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा और यूनिक मुझे लगा है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रीमियर क्रिकेट में तकरीबन आज ही कोडी। इसका साथ हेडगियर आप चेक कर लेना, ये भी मिथिक है। तो इसमें बैरल की स्किन नेक्स्ट प्रीमियर क्रिकेट में हमें आ रही, जो बैरल की स्किन काफ़ी देर रॉयल पास में भी आ रही है और नेक्स्ट प्रीमियर क्रिकेट में हमारे पास आ रही है, तो काफ़ी अच्छी और यूनिक लगी। इसका आप हेलमेट चेक कर लेना, हेलमेट भी काफ़ी ओपी मुझे लगा है। तो ये इसका बैरल की ऑफ डायनेस्टी, इसका बैरल की स्किन है। बैरल स्किन मतलब रॉयल पास के सेम है। वो रॉयल पास में भी गोल्डन टेक्सचर क्लियर था, तो इसमें भी आपको गोल्डन टेक्सचर क्लियर नजर आएगा। तो काफ़ी अच्छा ऑर्नामेंट चेक करने वाला, ऑर्नामेंट वो जादू वाला नहीं होता जिसको मतलब रगड़ते तो जी निकलता जाए, तो वो इसका। एंड ये मेन इसका मतलब लेजेंडरी आउटफिट है जो अभी टेक्सचर लोड नहीं है, तो पैराशूट देख लेना, पैराशूट भी सिंपल है और काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रीमियर क्रिकेट में ये वाली लीक्स आ जाएंगी जो 2.1 के अपडेट के बाद आने वाली है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें आने वाली नेक्स्ट प्रीमियर। तो कैसी लगी आपके पास? तो ये आगे बात करते हैं हमारे पास फेरो के जो सेट आने वाले हैं, तो उसके मेरे पास ये लीक्स हैं, तो आप चेक कर लेना। तो इसमें दो मेल, एक मेल आएगा सेट और फीमेल आएगा, तो काफ़ी अच्छा। ये हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में ये आने वाला है इस टाइप का। तो जो मेल में है वो मेल में काफ़ी यूनिक है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग्स भी की गई हैं फेरो में, मतलब जो पुराना वाला था उसको हट के थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश की गई है। तो ये हमारे पास पहला आ गया ये फेरो, तो ये हमारे पास नेक्स्ट फेरो का आएगा। तो इसको मतलब आप, मुझे तो पुराना इसका लगा, इसका एंट्री मोड भी वही सेम है, तो बाकी इसमें कुछ कुछ डिज़ाइनिंग चेंज करते ही हैं। तो इसके इमोट जो हमारे पास आ रहे हैं वो काफ़ी चेंजेस इमोट है जी। मुझे इसके इमोट बहुत ज़्यादा ओपी लगी, क्योंकि इसके नेक्स्ट इमोट आप चेक कर लेना, जो इमोट है ना तो काफ़ी यूनिक है। इमोट चेक कर लेना, ये लेडी करेक्टर का इमोट है, आप तो चेक कर लेना। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही इसमें ये इमोट कहाँ पे यूज़ होंगे, ये लॉबी के हैं, एंट्री के हैं, तो ये इसका थोड़ी सी मुझे इसका मतलब स्पॉन आइलैंड के, ये मुझे इसमें से समझ नहीं। तो जिस भाई को पता है नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताना। तो ये का ये भी आप इमोट चेक कर लेना। तो इमोट इसमें बहुत खतरनाक है, ये सब मिथिक इमोट है भाई, सब इमोट आपके बहुत ओपी ओपी लगे हैं, क्योंकि इमोट फेरोन वाला सट आ रहा है तो काफ़ी अच्छे इमोट है। तो कौन कौन यार इसकी क्रेड ओपनिंग करेगा, तो इतने यूसी लगते हैं तो हमारे पास की बात नहीं है। तो जो भाई रॉयल इनके पास अच्छे खासे यूसी हैं वो तो अच्छे खासे मतलब लगने निकाल सकते हैं, हम कहाँ निकालेंगे यार। हमें तो बस पबजी के आपको लीक्स प्रोवाइड करने हैं जल्दी से जल्दी यार। एंड आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास मंथ 13 का रॉयल पास का यह मिथिक सेट है। इन गेम में आप इसकी लुक चेक कर ले, देख लेना, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक है। मुझे इसका सेट अच्छा लगा, इसका हेडगियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हेडगियर इसका बहुत बुरा लगा है। तो बाकी सूट अच्छा मुझे लगा, क्योंकि सूट विंग्स वाला है, सीजन 14 में आई थिंक इस टाइप का आया था, तो ये इसका चेक कर लेना। तो मुझे मतलब सूट अच्छा लगा, इसका मतलब इसका जो सा ना हेडगियर वो काफ़ी बोंगस है यार, मुझे हेडगियर नहीं पसंद आया बस, बाकी अच्छा। एंड बैरल गेम में भी इन गेम इसकी स्किन देख लेना, बैरल की स्किन और नेक्स्ट प्रीमियर क्रिकेट में आई थिंक सेम है, वो भी गोल्डन टेक्सचर क्लियर में है और ये भी गोल्डन मेन गेम में है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी चमक रही है यार, ओपी स्किन है इस पर हमारे पास आ रही है रॉयल पास में। तो रॉयल पास में बहुत मुश्किल से आती है, तो ये रॉयल पास कोई भी बंदा मिस ना करे, क्योंकि बैरल की स्किन है तो कम ही बैरल की स्किन हमें नज़र आती है पबजी के रॉयल पास में आ रही है, तो यहाँ से आप ज़रूर बाय करना। आगे आप सेट चेक कर लें, आगे हमारे पास आ रहा है जो सेट है वो मेन जो सा होता है ना हमारे पास लेजेंडरी आउटफिट, तो जो 1 RP पे मिलता है ये इस टाइप का नज़र आने वाला है। तो इसके इन गेम में आप लुक देख लेना, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब सिंपल है और यूनिक है, अच्छा इतना बुरा भी नहीं है, तो काफ़ी है। एंड आगे चलते हैं, आगे हमारे पास मिनी 14 की रॉयल पास की जो स्किन आ रही है वो इन गेम में आप इसकी लुक चेक कर लेना, तो अच्छी हंसी है ये भी, मिनी 14 की स्किन भी आपको नज़र आने वाली है नेक्स्ट रॉयल पास में मंथ 13 के, तो काफ़ी यूनिक लगी है मुझे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये रेडीन सेक्शन में हमें ये सूट कवर सेट नज़र आने वाला है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास रिजीम मंथ 13 के रॉयल पास में जो रिडीम होगी इसमें ये सेट आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक स्किन नज़र आने वाली है टॉमी की स्किन, थॉमसन की स्किन, वो आप चेक कर लेना। थॉमसन की स्किन मुझे काफ़ी यूनिक और ओपी लगी, क्योंकि मुझे पसंद है, थॉमसन की स्किन मेरे पास बहुत कम है, तो जो थॉमसन की स्किन है इसको रॉयल पास में अगर कर देते तो काफ़ी यार मज़े की हमारे पास स्किन आ जाती, तो पबजी वाले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो काफ़ी इसकी स्किन मुझे ओपी लगी है। एंड आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास आ रहा है स्मोक ग्रेनेड की स्किन, आप देख लेना इन गेम में इसकी लुक, तो सीट जैसी होती है ना तो उस टाइप की हमें नज़र आने वाली है, तो ये रॉयल पास में अच्छी आसी। और ब्रेस्ट वाली हमें जो स्किन नज़र आने वाली है मंट 40 RP पे, वो भी आप चेक कर लेना।
तो ये भी अच्छी खासी है। तो बट इतना ये बुरी मतलब थम्स स्किन इसमें ऐड कर देते तो काफ़ी यूनिक है। ब्रश वाली स्किन बहुत कम बंदे यार यूज़ करते हैं। एंड फ्री रॉयल पास का ये मोड चेक कर लेना, हमें डांसिंग मोड नज़र आने वाला है फ्री रॉयल पास में, तो डांसिंग का मोड आप चेक कर लेना, काफ़ी लंबा और लेंथी होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे रिमोट। एंड अगर हमारे पास ये मिथिक इमोट नज़र आने वाला है मंथ 13 के रॉयल मार्क का पास में, तो काफ़ी अच्छा लगा यार। मिथिक इमोट आप इसके इन गेम में लुक देख सकते हो, काफ़ी यूनिक है यार। तो मतलब ओपी किस्म का हमें नेक्स्ट और रॉयल पास में हमें इसका इमोट नज़र आने वाला है। तो आगे हमारे टीयर रिवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, जो हमें मिलने वाले टीयर रिवार्ड्स जो हमें प्लैटिनम गोल्ड पे ये सेट नज़र आने वाला है। इसका मैं मतलब इसका हेडगेयर भी गोल्ड पे एंड प्लैटिनम पे इसका सारा आउटफिट है, तो काफ़ी अच्छा है यार। इन गेम में इसकी लुक आप देख सकते हैं, तो काफ़ी यार मतलब ये काफ़ी कह रहे थे मिथिक से कम नहीं है, तो इसको अब मैं फुल आपको टेक्सचर दिखा रहा हूँ एंड तो देख लेना, काफ़ी यूनिक और ओपी लगे मुझे। एंड हम आगे हमें नज़र आने वाले टीयर रिवार्ड्स में हमें क्यूबिक गन की स्किन नज़र आने वाली है, तो ये इन गेम लुक में भी आप इसकी टेक्सचर देख लें तो काफ़ी अच्छा और यूनिक है। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके हमने लाजमी बताना है क्यूबिक गन जेड की स्किन। एंड आगे हमारे पास आ रहा है ये वाला मिथिक, जो आप मतलब तीन बार एस करते हैं वो साइकिल सीरीज में, जो तीन बार एस करने पर मिथिक हमें सेट मिलता है वो हमें नज़र आने वाला है, तो इन गेम लुक में भी आप इसकी देख लेना, तो काफ़ी अच्छा है। तो जो इसका मिथिक हेडगेयर है, इसका हेडगेयर भी मिथिक होगा, इसका सूट भी मिथिक होने वाला है। अगर आप तीन मरतबा एस करते हो तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो यार मैंने आपको सारे रिवार्ड्स बता दिए जो इन गेम में आने आउट गेम नेक्स्ट पेमेंट के लिए फेयर में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने भाई के फॉलो कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं, मेट करते हैं नई वीडियो में, तो अभी के लिए भाई को देना इजाज़त। अल्लाह।